प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लाभदायकता अनुपात की। तो देखिए, लाभदायकता अनुपात इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य ही लाभ कमाने से होता है, और व्यवसाय यह भी चाहता है कि उसका लाभ निरंतर बढ़ता रहे, और व्यवसाय का स्वामी लाभों में वृद्धि चाहता ही चाहता है क्योंकि संस्थान में विनियोजित पूंजी पर अन्य संस्थाओं की तुलना में ऊंची दर से लाभ होने की आशा वह रखता है, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए और एक अच्छा अमाउंट उसको मिल सके रिटर्न का। तो इस तरह से ऊंची दर पर लाभ संस्थान के संसाधनों का कुशलतम विनियोग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका संबंध अनेक बातों से होता है। जैसे हम बात करें कि वस्तु की विक्री दर, सेल्स पॉलिसी होती है, वित्तीय नियोजन, वित्तीय संसाधनों का उपयोग, उपयोग, उत्पादन लागत, नियंत्रण व्यवस्था, और साथ में बात करें तो प्रबंधकों की कुशलता आदि अनेक चीज़ें हैं जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी उस पर डिपेंड होती है। तो संस्थान के लाभों के संबंध में जो लाभदायकता अनुपात है, उसकी सहायता से ही उसकी लाभदायकता ज्ञात की जा सकती है। और इनकी गणना दो तरह से होती है। कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो सेल्स पे डिपेंड होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और एक्सपेंसेस रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, उनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स। तो इसमें सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट हम ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 से करते हैं। और यदि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दिया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? ग्रोस प्रॉफिट। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो व्यवसाय की कुशलता की माप के लिए इस अनुपात की गणना की जाती है, जिससे संस्था की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लाभार्जन क्षमता, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो यह अनुपात जितना अधिक होगा, संस्थान में लाभ उतना ही अधिक माना जाता है। क्लियर? सेकंड है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो संस्था की व्यवसाय क्रियाओं से होने वाले लाभ को, शुद्ध परिचालन लाभ को भी कहा जाता है। और इस लाभ की गणना में गैर व्यवसायिक कार्यों में होने वाले जितने भी आय व्यय हैं, उनको सम्मिलित नहीं किया जाता। संस्था में सकल लाभ में से प्रशासन व्यय, विक्रय, वितरण तथा निर्मित माल भंडार के व्यय आदि को घटाकर शुद्ध परिचालन लाभ की गणना की जाती है। क्लियर? तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। कैसे? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब ये रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? इससे शुद्ध लाभदायकता की जानकारी हमें मिल जाती है। क्लियर? फिर है नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। यह रेशियो संस्थान के लाभानी खाते में बताए गए शुद्ध लाभ तथा शुद्ध बिक्री के मध्य संबंध को बताता है, कि यह जो प्रॉफिट है, ये जो रेशियो है, इसके अंतर्गत शुद्ध परिचालन लाभ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उनमें से नॉन ऑपरेटिंग आय व्यय का समायोजन करके नेट प्रॉफिट की गणना की जाती है। और इसके साथ ही इस ऐसे ज्ञात शुद्ध लाभों में से जो नेट प्रॉफिट होते हैं, उनमें से कर की राशि को भी घटा दिया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। क्लियर? और जो ये रेशियो है, इसकी गणना करने के लिए संस्था का जो मुख्य उद्देश्य वो ये होता है कि संस्थान की मुख्य गतिविधियों की लाभप्रदता और कुशलता की जानकारी इसको कैलकुलेट करने से मिल जाती है। उसके बाद में रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग जो रेशियो है, वो संस्थान अनुपात की परिचालन लागतों एवं शुद्ध बिक्री के मध्य होने वाले रिलेशन को हमें बताता है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इंटू 100, या ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100।
इसमें उन सभी व्ययों को जोड़ा जाता है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन या परिचालन से संबंधित होते हैं। इट मीन्स जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेचे गए माल की लागत में जोड़कर परिचालन लागत की गणना की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट फिर आ जाता है एक्सपेंसेस रेशियो। देखिए एक्सपेंसेस रेशियो में जो व्यवसाय की जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उनका और नेट सेल्स का जो रिलेशन है वो इसमें दर्शाया जाता है। और इसमें जो जितनी भी रेशियो जो रिकॉर्ड्स हैं उनका अलग अलग रेशियो निकाला जाता है। जैसे मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अपॉन नेट सेल इनटू 100। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशियो इक्वल्स टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। नेक्स्ट वेजेस कॉस्ट रेशियो इक्वल टू वेजेस को डायरेक्ट जो होंगी अपॉन नेट सेल इनटू 100। एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो निकाला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। और नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो इक्वल्स टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो इस तरह से ये जितने भी एक्सपेंसेस जो हुई हैं उनमें नेट सेल का को डिवाइड करके हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये कैलकुलेट करने हैं सारे रेशियोज। तो देख लेते हैं, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसमें हमें सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनकी हमें पूरी सूचना दी हुई है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनके अकॉर्डिंग हमें ये रेशियोज निकालने हैं। क्लियर। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है हमें, फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है रुपीस 190,000 अपॉन नेट सेल्स, देखिए दी हुई है हमें 650,000 इनटू 100, ये आ गया है 29.23%। क्लियर। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। देखिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमें नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 120,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दी हुई है हमें 7,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लेस कर देंगे 10,000 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा रुपीस 117,000। तो निकाल लीजिए इधर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आ गया हमारा रुपीस 117,000 डिवाइडेड सेल्स दी हुई है हमें 650,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया है 18%। क्लियर। चलिए
थर्ड निकाल लेते हैं अब ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्लियर? तो कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें रुपीज़ 110,000 प्लस परचेज लेंगे हम कितना दिया हुआ है 4 लाख प्लस कैरेज दिए हुए हमें 10,000 वेजेस दिया हुआ है हमें 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में लिखा हुआ है रुपीज़ 1,60,000। तो ये आ गया अमाउंट हमारे पास रुपीज़ 4,60,000, क्लियर? एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। दूसरी देखेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट। तो ये आ गया है 60,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000, ये अमाउंट हमारे पास आ गया है 73,000, क्लियर? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं रुपीज़ 4,60,000 प्लस 73,000, ये आ गया है रुपीज़ 5,33,000, क्लियर? तो ऑपरेटिंग रेशियो फिर देख लेते हैं। इधर ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे हम, वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिए 5,33,000 डिवाइडेड सेल्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 82%, क्लियर? चलिए फोर्थ जो रेशियो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। कैसे कैलकुलेट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। कितनी दी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें 60,000, सेल्स दी हुई है 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 9.23%, क्लियर? फिफ्थ में हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। फॉर्मूला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100, ये आ जाएगा 10,000 अपॉन रुपीस 6,50,000 इनटू 100, ये आ गया 1.54% और
फिर हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,20,000 डिवाइडेड, सेल्स दी हुई है 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 18.5%। तो इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे।